जातिवाद ऐसा शब्द जिसको लेके हमेशा कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहता है, झड़प लड़ाई झगड़ा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पॉलिटिशियन विभिन्न प्रकार से इसको अपनी तरफ से, तो समझना आपको हमको है, कहने का मतलब हम सबको है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ बस समझ लीजिए अच्छे से क्लियर, वैसे आप कुछ भी करके आप क्लियर कर सकते हैं, आप जानते ही होंगे, फिर भी देखिए दोनों तरफ से समझते हैं। एक तो ए है कोई, इसके चार पुत्र हैं, ध्यान से समझिए, बी क्लियर हो जाएगा, बी उत्पत्ति कैसे हुआ, सी डी ई। इस आधार पर देखिए आप यूनिव तो कहते हैं जैसे मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए ना, ठीक है, तो कहने का तो मनु शत्रुपा, इसके बाद उस सब के सब संतान है, क्या ठीक है, लेकिन उन्हीं से ब्रह्मे जी से कहते हैं विभिन्न प्रकार के ऋषि, समझ गए आप, क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है जातिवाद, तो वही चीज क्लियर करेंगे कि उसकी उत्पत्ति जो किए हैं तो विभिन्न प्रकार के ऋषि, जिनमें कुछ ने गृहस्थ अपनाया कुछ ने नहीं अपनाया, ठीक है, यही ना, तो मतलब इस प्रकार से अपना चलता रहा, तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हुए ना, कहने का तत्पर उन्हीं के अंश से हुए, ठीक है, आप उनको जो संज्ञा दिया गया, ठीक है, नाम कहने का तत्पर, तो एक तो आप उधर से, तो फिर ऐसे धीरे धीरे क्रम चलता रहेगा, ठीक है, उधर से मतलब एक स्टेप समझिए कि वहीं से एक एक्सपेंड हुआ है ना विस्तार, हाँ, और इधर देखिए ए ए कोई है, ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए, हाँ, इनके चार पुत्र हुए, ठीक है, दो पुत्र भी कर सकते थे, छह पुत्र भी कर सकते थे, आठ पुत्र भी कर दीजिए आप यहाँ, लेकिन यहाँ पे अभी समझिए चार पुत्र हुए, ठीक है, अभी तो बी सी डी ई, तो एक बी को क्या था, इसको हर चीज जानने के लिए वो इच्छुक रहते थे कि कोई चीज को कितने सुचारू ढंग से कितने अच्छे तरीके से करे, कुछ गलत ना हो, मतलब किसी को मतलब समझ गए ना, हाँ अच्छे तरीके से कहने के तो सही तरीके से जानने के इच्छुक, तो ये ज्ञान के जो कहते हैं ना अच्छे से, तो ये हो गया ब्राह्मण, इसको किस में रख दिया, बी को ब्राह्मण में, बी को रख दिया ब्राह्मण में कैटेगरी में, अभी पहले समझिए पूरा क्लियर नहीं करना है अभी थोड़ा आराम से, दूसरा क्या है, और भी तो गुण होंगे ना, हाँ लेकिन ज्यादा जानने के इच्छुक प्राथमिकता, ठीक है। सी में क्या था, कहते हैं इस परिवार पे कोई भी आंच आए, पशु पक्षी किसी भी तरीके से, ठीक है, तो फिर हमेशा लड़ने के लिए आगे, कहते ना मतलब सबसे ज्यादा एकदम हौसला, हाँ बोला, तो इनको रख दिए किसमें, क्षत्रिय में, क्षत्रिय में, ठीक है। दी थे, अब इनको कौन क्या करता है उससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है, चाहे फैमिली में या कहीं पे भी, कहीं पे फैमिली में या कहीं पे भी किसी भी स्तर पे इनको लाभ से मतलब है, ठीक है, कि अपना प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसको किस में रखती है, वैश्य में, ठीक है। ये आ गया आपको, क्या ये होता है भाई, सब कुछ ऐसे रहेगा, मतलब जैसे कहते हैं एकदम है तो इसकी की फैमिली में ना, लेकिन इसके आचरण कैसे, कि अपना नाक बह रहा है मतलब, और उसको पोछ नहीं रहा है फिर भी मतलब खाना खा रहे, बुरा मत मानिएगा, अभी पहले पूरी समझना है, ठीक है, या कुछ ऐसे अभी मैंने कहा ना बुरा नहीं मानना है, पूरा समझिए, हाँ, फिर जैसे कुछ साफ सफाई कर रहा है, जैसे कचरा इन्हें पसंद नहीं है, साफ सफाई कर रहा है इन सभी का, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा भाई छोटा भाई कह सबकी कि ये अपना लगा दिए, तो इनको इस काम में मन लगने लग गया, अभी ध्यान से समझिए मतलब इसमें प्रधानता इसकी होगी, तो इनको रखती है शूद्र, अब देखिए शूद्र मतलब इनको उस लेवल के स्तर के काम, तो अभी डिसीजन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले ये देखिए ए में तो ये चारों गुण है ना, पहले ये देखिए ए में तो ये चारों गुण होगा, क्योंकि ए से जब निकला है कहने का मतलब विभिन्न प्रकार से, तो सभी में प्राथमिकता की बात दिया गया है, ठीक है, अब ध्यान सुनिए अभी क्लियर हो जाएगा, कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद देखिए बी के
तीन बच्चे हुए, बी के तीन बच्चे हुए, एक के जो कर्म थे, मतलब बी के जो एक के कर्म थे कि क्षत्रिय वाला, अब मतलब गुण कहने का तो गुण समझ गए ना, जो कर्म करते थे ना उसमें पता चल जाता था कि इसमें इसको गलत बर्दाश्त नहीं होता है, अपने फैमिली परिवार की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ जाएगा, ठीक है, मतलब यही सब, ठीक है, गलत को बढ़ावा लेकिन किसी भी फील्ड में नहीं देना है, ठीक है, अभी समझिए पहले। तो ये हो गया आपका, इसके बी है B1, B2, B3, तो इसमें एक गुण में आ गया क्षत्रिय प्रधानता हो गया, ठीक है, इसमें आ गया, इसमें इसके फैमिली में आ गया इसको नहीं, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब है, हमें लाभ चाहिए। इसके लिए अगर बगल वाले को भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है उससे नहीं मतलब है, हमें लाभ चाहिए, क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो इसमें ये कौन कौन सा हो गया, वैश्य। B3 में देखा, इसमें गुण देखे, ओ इसमें है यही गुण, इसी का गुण आ गया, जैसे इसको जानने के इच्छुक अपने पेरेंट्स के, मतलब उनके कदम पे चले, कहने का तात्पर्य उनके, हाँ तो ये क्या हो गया, उनके जानने की इच्छुक, तो ये हो गया ब्राह्मण, कहने का तात्पर्य। अब देखिए यहाँ पे पुत्र, तो यहाँ पे अगर अभी घबराना नहीं है, हाँ बी जो है ब्राह्मण था, यहाँ पे कैटेगरी में माना गया, जबकि चारों भाई है, कहने का तो अभी समझिए एक ही के है ना, ठीक है, अभी पूरा समझिएगा, घबराइए मत, क्योंकि सबका अलग अलग मनसा होता है, पूरा देखने नहीं है, पहले क्लियर कर लेते हैं। तो क्या हुआ, ब्राह्मण था लेकिन इसमें अलग अलग के गुण अलग अलग है, ठीक है ना, क्वालिटी, लेकिन चूंकि जन्म यहाँ पे ये हो गया तो अब इसको क्या कह दिया गया, ब्राह्मण, यानी कि अब इसमें ये वाला भी गुण है, शूद्र वाला भी गुण है, तो ये क्या कहलाएगा, ब्राह्मण, यही कहते हैं ना। तो आपको समझना है कि गुण और कर्म के आधार पर देखना है, जब आप ऐसे समझो कहीं टी स्टॉल या कहीं पे भी आप बैठते हो, तो कोई अगर चाय की दुकान है या कहीं पे, तो वहां पे तो नहीं पूछते हो कि कौन सा गिलास क्या है, किसमें क्या पियेंगे नहीं पियेंगे, सब कुछ पीते हो ना। लेकिन वही अगर मतलब समझ रहे ना कि गंदे रहेंगे हाथ, एक्सेस रहेंगे, तो जो उसमें सही हो गए, मतलब एक्सेस होगी भाई अच्छा नहीं है, इससे कीटाणु होगा, कीड़ा होगा, बीमार पड़ेंगे, वो होगा, तो हम नहीं खाएंगे, तो कहने का तो उसका गुण ऑटोमेटिक वो हो जाता है। तो जो जिसके रहते हैं तो उसको उसी के लोग पसंद आते हैं, ये भी होता है, जो जिस कैटेगरी के उसको उसी रूप में देखते हैं, पसंद करते हैं, तो ये सब गुण आ रहा है, कहने का तत्पर आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार क्या हुआ, अब जब ये सब गुरुकुल में जाएंगे, कहने का तो ये प्रक्रम से चलेगा, मैंने भी कहा था ना कि उधर से देखिए तो और भी ब्रह्मा जी तरफ से बताए थे कि कुछ ने जो ऋषि उत्पन्न हुए थे, कहने का तत्पर जो उत्पन्न किए थे भिन्न भिन्न अंगों से मनुष्य रूपा, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे तो कुछ ने गृहस्थ अपनाया, कुछ ने नहीं अपनाया, और सब उधर से, और इधर से एक पुत्र देखे तो ये, अब ये एक जब एक मतलब प्रक्रिया में चलेगा, एक लंबे समय के बाद, तो ध्यान से देखिए, इस क्षत्रिय है, अब इसके क्या हो गए, दस पुत्र हो गए, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, आप समझ जाइएगा, C9, C10, ठीक है, कुछ में क्षत्रिय वाले गुण, ध्यान से देखिए, बचपन में जब आएगा तो बचपन में कौन सा आधार बना, जब जन्म लेंगे वो, तो कहने के लिए क्षत्रिय घर में, राइट, लेकिन जब उसके कर्म आचरण अगर भिन्न भिन्न अलग रहे तो क्या हो जाएगा, वो वैश्य शूद्र और ये कैटेगरी में। दूसरी प्रकार से यही होता है, क्या होता है, अभी ध्यान से समझिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी में क्या होता है, एक समय के बाद क्या होता है, एक लंबे समय के बाद ऐसे ही सिस्टम चलते जाते, तो कहते हैं जिसकी बुद्धि जैसी होगी उसी हिसाब से काम करेगा, क्योंकि एक विभिन्न विभिन्न प्रक्रिया आ गया तो कुछ भूलते जाता है, कुछ आते हैं, कुछ नया चीज आता है, कहने का तो यहां से तो प्रक्रम चल गया, तो आप एक नया रख लीजिए ब्राह्मण, अब इसी में शूद्र में निकाल दिए, तो कौन कौन सी जाति, अब यहीं पे हम जैसे यहीं पे यहां पे ले लेते हैं, मान लीजिए इस इधर से शूद्र ही आ गए, जो क्षत्रिय में था लेकिन ये शूद्र वाले कर्म आ गए, लेकिन अब इसी में क्या निकाल दिए, वो भिन्न भिन्न जाति, अब समझते हो ना कौन कौन सी जाति निकाल दिए, भिन्न 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 प्रकार के, आप समझ गए ना, आप कुछ भी रख सकते हो, कहते हैं चप्पल या कोई कुछ ये सब, कि कौन सा कौन काम करता है, तो ये वो जाति के हो गए, लेकिन मैंने कहा नहीं,
वो किस आधार पे होता है? कर्म के आधार पे। अब कोई क्षत्रिय है ठीक है, और ये अगर किसी कंपनी में, वास्तव में कंपनी में कोई कंपनी में काम करता है और वो अगर जूते का काम करता है तो उसको क्या कहोगे, को क्या कहोगे आप बताओ क्या कहोगे? तो आप तो वहां नहीं देखते हो, तो जातिवाद के नाम पे जो कहने का तात्पर्य लड़ते हैं, तो एक प्रक्रम के दौरान पर ऐसे ही होता है। फिर इसके बाद जिसकी बुद्धि जैसे होने लगता है तो फिर इसी में कहते हैं ये चीज मतलब बांध दिए कहने का तात्पर्य, या कुछ समझ गए ना, रख लिए कहने का, तो कुछ भी कहने का, कुछ भी कर दिए। तो भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न धर्म भिन्न भिन्न सब अलग अलग निकलते जाएगा इसमें से। तो अभी जिस प्रकार जाति का प्रसार हो रहा है, उसी तरह से धर्म जो आए जो समझा रहा है उसी का चोला पहन लो, वही धर्म हो गया, समझ गए ना। तो यहां पे ये था कि जातिवाद के नाम पे कि किसी से घृणा जब करते हैं, अब ऐसे ही समझिए, चलिए ये है, ये चारों है ऐसे ठीक है। अब ये क्या हुआ, ऐसे समझ लीजिए ई ना कहीं और जाके बस गया पूरे देश में, ये जाके कहीं और बहुत दूर इन लोगों से बहुत दूर बस गया। इनके कर्म कैसे हो गए, कोई तो नहीं देख रहा है। डी कहीं और बस गया जाके, सी कहीं और बस गया जाके, बी कहीं और या यहीं रहा कहने का तत्पर, तो कोई तो नहीं देख रहा है, लेकिन सब एक ही बाप के बेटे हैं कहने का तत्पर, आप समझिए बुरा मत मानना है, हाँ एक ही के है, लेकिन क्या होता है सब अलग अलग जगह है। तो कहते हैं ना कि जो जिस फील्ड में जिसके साथ रहते हैं वो उसी को मानते हैं, फिर एक दूसरे से घृणा करते हैं। घृणा करने की बात नहीं है, उनके आचरण देखने, अगर अच्छे हैं तो आप उनके साथ रह सकते हो, बैठ सकते हो, सो सकते हो, शादी विवाह सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या होता है इसी कैटेगरी पे पहले तो चेंज हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, अब मान लो इसकी इसके बच्चे और ब्राह्मण जैसे कर्तव्य कर्म हो, मतलब ज्ञानी अच्छे, तो कैसे हुआ वो, तो ये तो किस पे होता है, कर्म के आधार पर। जबकि ये सब चारों एक ही माँ बाप के कहने का तत्पर संतान है, हुए ना। तो इसमें आप बताओ, कोई कहता है किसी को काम कर या कुछ कर, तो उसका तो काम है ये, तो घबराता तो नहीं है, बस अगर आपके आचरण अच्छा है तो भाई कोई कह दिया। अगर मान लीजिए अगर नाम नहीं रखे और सबका नाम एक ही रख दे तो किसी का पहचान कैसे करेंगे, कुछ तो पहचान होगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट होता है हर चीज की, क्योंकि काम तो ये भी करता है, लेकिन प्राथमिकता होता है ना जो ज्यादा जिस चीज की काम करता है। लेकिन कर्म के आधार पर अब यही बहुत अच्छा काम करे तो ये शुद्ध कहां रहा, ये तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ब्राह्मण बन गया। तो आपको क्या बनना है, देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं कहता हूं ये सब नहीं बनना है, आप सबको क्या बनना है, ए बनना है, ए मतलब समझ गए, जिसमें ये सभी गुण हो, मतलब जरूरत पड़ने पर जैसे आप साफ सफाई करते हो, कोई नहीं जो समझे लो ठीक है, कहते हैं लाभ हानि जैसे कहते हैं ना कि जीविका चलाने के लिए, जैसे आजकल का सिस्टम समझ रहे हो, हाँ जो, और क्षत्रिय अगर कोई पशु या कोई अकारण आप पे अपना वर्चस्व जमा रहा है तो आप अपना ताकत को बढ़ावा मतलब अच्छा करो ताकि उससे लड़ सको, संघर्ष कर सको ठीक है, उसमें वीरगति हो या मतलब समझ गए ना, हाँ। और शिक्षा भी अच्छे से लो, ये नहीं आधा अधूरा दो धारी तलवार के बराबर। तो आप क्या बनो, ए बनो, क्या बनोगे, ए बनो, यानी जात पात गया तेल ने, सिस्टम समझ गए ना क्या प्रोसीजर, यही एक लंबे समय तक दौर आता है ना, तो बस इसी पे लड़ो और इसी में उलझे रहते हैं, इससे अगला स्टॉप कुछ सुनते ही नहीं है कि तत्पर अगला जो टॉपिक होगा उससे आगा सो समझते नहीं है, बस इसमें फंसे रह जाते हैं, पहले इसी में लड़ते रहो ठीक है, हमारा भगवान तुम्हारा भगवान ये, और ये चल समझे, और इसका भगवान जो है सब जैसे ठीक है, कहते ना नारायण शिव जो भी कहे ठीक है, सभी तो देवी देवता ही है कहने के पर, तो माता आदि माता परम शक्ति महाशक्ति कुछ भी कहने का, तो निराकार साकार सब, तो फिर यही कहने का तो यहाँ पे इतनी सी बात समझने में कोई इशू तो नहीं है। और यहाँ पे भी मैंने बता दिया था कि ब्रह्मा जी के जैसे कुछ पुत्र जैसे अंश निकले या अंगिरा ठीक है, मनु शत्रुपा, फिर उसके एक चेन सिस्टम का प्रॉब्लम होता है ना, तो यही चीज है कि एक लंबे समय के बाद जब भूल जाने के बाद ये होता है। तो आप लोगों को क्या बनना है, ए बनना है, ए यानी कि ये सभी गुण होने चाहिए ठीक है, कि जरूरत पड़ने पर।
अब गिरना तो आप ऑटोमेटिक ही देखो, अगर कोई अगर आपको हाथ साफ नहीं किया, आपको खाना दे रहा है, ठीक है, जिससे कि कीटाणु आ जाए, तो आप तो खुद ही कहोगे कि उसके कौन से लक्षण है। तो इसमें बुरा बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस उसको है भाई सही से करो कि आप ए बनो, क्या बनो, ए बनो। और हाँ, अब रहा भाई, अब ये तो बहुत बड़ा प्रसार हो गया है, तो जिसका जिसके साथ मेल होता है ना, वो उसके साथ रहता है, तो इसमें कोई चीज मानने की बात ही नहीं है, बस आपके कर्म जैसे होंगे उसी आधार पे। तो अगर किसी को नाम बी है, तो इसको भी बी अगर हम कहेंगे तो चलेगा, ये बताओ, बी है बी कहेंगे चलेगा? अगर सभी में सेम प्रोसीजर होता है, इसी में सारे गुण इक्वल होता, इसमें भी सारे गुण इक्वल होता, इसमें भी सारे गुण इक्वल होता, इसमें भी सारे गुण इक्वल होता, तो सब क्या होता, ए ही होता, कहने का तात्पर्य एक ही होता, बी ही बन जाता, कहने का तात्पर्य इनका सभी में सेम ही, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट तो कुछ, और यही फिर जाके ठीक है, इसमें भी अलग निकाल दिए, वैश्य में भी अलग निकाल दिए, इतने जाति, ये जाति वही है ना, D1 D2 D3 भिन्न भिन्न निकाल देंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, कि कोई अगर कपड़े का दुकान करता है, कोई जेवर का, तो कोई किसी चीज और का, कोई वस्तु का, कोई इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है, तो कोई कंप्यूटर का, ठीक है, तो कोई कुछ कहने के तौर पर, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, आज के दौर के हिसाब से, मतलब कोई ना कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो वैसे तो वही चीज आपको समझना है कि इस जातिवाद पे अगर आप लड़ रहे हो, अगर इन केस, और इस आधार पे आप कहते हो हम इसकी से, और मान लो इसकी पुत्री है और इसकी पुत्र शादी शादी विवाह या कोई चीज, तो ये कर्म पे देखना पड़ेगा। आप खुद ही देखो ना, कोई एक बड़े बन गया, बहुत पैसे वाले, जब शादी वाला टॉपिक होगा तो वहां क्लियर करेंगे। तो व्यवहार, कभी तो व्यवहार देखते हो, कभी पैसा देखते हो, कभी कुछ देखते हो, कभी कुछ देखते हो ना। तो पहले तो यहाँ पे ये सिस्टम तो क्लियर, खेल खत्म करो जातिवाद वाला, ठीक है, क्या बनो, ए बनो, ए, ठीक है, ए बनना है, ये जातिवाद वाला चक्कर नहीं रखना है। सीधा सीधा भाई, तुम्हारे कर्म अगर सही से नहीं, हाथ पैर धोगे नहीं, कुछ करोगे, तो भाई सीधा सीधा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमारा तुम्हारे साथ नहीं मना है, तो इसमें करना क्या, इसमें गलत मानने क्या बात है वो। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा नहीं बन सकता, मैंने भी कहा ना, इसके गुण इसके कर्म अगर अच्छे होंगे तो ये वो नहीं है, ये फिर ये ब्राह्मण है, ये ठीक है, ब्राह्मण नहीं, इससे ही बड़ा ए है, मतलब ये सब कुछ है, ठीक है, अगर ये भी गुण है तो ये वो भी है, मतलब ए बन जाएगा, चारों गुण आ गया तो ए बन गया, इसलिए इस पे नहीं करना है, नहीं तो मूल तूल फलना चिलना ये सब चलते रहता है, तो एक प्रोग्रेस होता है, तो ये हर जगह रहता है, फिर इनके पुत्र के पुत्र मिलेंगे कभी, तो 40 पीढ़ी हो गया, इनके भी 40 पीढ़ी हो गए, तो पता चला भाई ये तो ब्राह्मण थे और ये शूद्र, ये वैश्य, ठीक है, ये क्षत्रिय, चार मतलब 20-25 पीढ़ी 30 पीढ़ी 40 पीढ़ी बाद मिले, तो यही कहते हैं ना, 30 पीढ़ी 40 पीढ़ी या 100 पीढ़ी कहते हैं ना बाद मिले, तो एक लंबे समय के बाद, तो क्या हो जाता है, ये वो है ये वो है, जबकि एक प्रोग्रेस में देखो तो ये एक ही से निकला है ना, कहने का तो आप समझ रहे हो ना, तो इसलिए ये सिस्टम अगर आप समझ गए तो ठीक है, अब माइंड का तो कुछ कर नहीं सकते, आपकी मर्जी है, आप जो बनिए और जिसके लिए लड़िए, अगर कोई शुद्ध कह रहा है तो भी नहीं लड़ना है, वैश्य कह रहा है तो भी नहीं लड़ना है, क्षत्रिय कह रहा है तो भी नहीं लड़ना है, ब्राह्मण कह रहा है तो भी नहीं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आप क्या हो, ठीक है, ये बोली पे तो नहीं लड़ सकते ना, नाम से तो नाम होता है, तो उसमें तो बहुत सारे होते हैं ना नाम, इसमें भी नाम अलग अलग होंगे ना, ABCD करके सबका नाम अलग हो गया, यहाँ पे चार ये रख दिए कि इसके अंदर जितने भी आएंगे, तो ये कह दिए हाँ इस भाई साहब के थे, मतलब वो काम करने वाले ये हो गए, तो जरूरी तो नहीं है, लेकिन उसमें भी इनके गुण कर्म ही बताएंगे वो कितने महान है, तो इसलिए आप ए हो, क्या हो, ए बनो, बोली से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप ए हो, बस ये सोचो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझे, चलो ऐसे समझो फिर से, एक ए है बी है, ये शूद्र है, ठीक है, ये ब्राह्मण है, यहां पे बातें हो रहा है किसी चीज की, ठीक है,
ठीक है, किसी चीज किसी टॉपिक पे बातें हो रहा है, तो ये कह रहे हैं मतलब हाँ वो काम करने वाले जो है ना वो, या शूद्र, एक मिनट, शूद्र। तो अब देखिए, ये तो आप जानते हो आपके कर्म कितने अच्छे, अब ये कह रहे हैं आप उनको, उसको शूद्र। देखिए ध्यान से, तो ये इनको शोभा देता है तो ये कह सकते हैं इनको, तो फिर ये कौन बन जाएंगे अभी बताइए। तो कोई ना कोई तो नाम लेंगे ना, मेरा कहने का तत्पर, अगर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, अगर लोग यहाँ पे नहीं पहचानते हैं किसी को, तो एक बोल दिए ना हाँ ये काम करने वाले हैं कुछ है ऐसे, ठीक है। तो काम करने वाले में तो वो भी हो जाएगा कि अपने प्रॉफिट की देखता है, ठीक है, लाभ, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसीलिए इससे बुरा नहीं मानना है कि ऊंची नीची, ये सबसे बुरा मानने की वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये बात तो जो जबरदस्ती कोई किसी को कुछ कहेगा तो उसे बोलते हैं वो खिजलाना। अब मुंह पे कोई बार बार कहेगा कोई गलत, मतलब कोई बात को 1000 बार 1000 बार, अब गलत तो अजीब लगेगा, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है, एनी टाइम, बिना मतलब, ठीक है, मजाक मजाक की तरह होता है, मतलब कहने का तो थोड़ा समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको क्या बनना है, ये बनना है मेरा फाइनली, ये था ये, तो आपका ये हो गया। जैसे बहुत सारे टॉपिक पे कि इसको काम नहीं देंगे, इसका वो कर्म के आधार पे होता है, किसके आधार पे होता है, कर्म के आधार पे, ठीक है। और उसमें भी बता दिए कि जितना आप ये सिस्टम होता है, अब जब ये आप ये बनोगे तो अब जो भी पॉलिटिशियन या जो भी कोई अगर चाहेंगे, अगर आपको आपस में लड़ाने के लिए, लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते हो ना, टॉपिक ही खेल, लड़ना ही नहीं है आपस में, हाँ भाई बोलते जा, क्योंकि आपके कर्म ही आपको डिनोट कर देगा कि आप क्या हो। मैंने भी कहा था ना कैसे निकला था, ठीक है, किसके कर्म कैसे निकलेंगे, ठीक है। अब इसको जितना बढ़ेंगे उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, इसलिए आप ए बने।